लोकसभा और राज्यसभा में कृषि विधेयकों के पास होने के बाद किसानों में काफी आक्रोश है। एक तरफ जहां सरकार इन विधेयकों को किसान हितैषी बता रही है, तो किसानों का मानना है कि सरकार ने उनके साथ ज्यादती करने का पूरा इंतजाम कर लिया है। बरेली में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की तरफ से गन्ना सोसाइटी पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कहा गया कि सरकार के इस कदम को किसान कंपनी राज के रूप में देख रहे हैं, ये संघीय ढांचे का उल्लंघन है, लिहाजा इसे वापस लिया जाना चाहिए। संगठन के जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने विधेयक में MSP का कहीं जिक्र नहीं किया है, जिससे किसानों में शंका बनी है। आने वाले दिनों में सरकार हो सकता है MSP जारी करना ही बंद कर दे। अगर ऐसा हुआ तो किसान कहीं का नहीं रहेगा। आज प्रोटेस्ट इस बात को लेकर है, जो 3 बिल सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किए हैं, 3 अध्यादेश, उस पर मात्र अब राष्ट्रपति की मोहर लगनी है, वो कानून बन जाएगा। उसमें किसानों को सबसे बड़ा लॉस ये है कि उसकी फसल कोई कहीं भी ले सकता, किसी भाव ले। MSP का जिक्र गवर्नमेंट ने नहीं किया। हम लोगों की मांग ये, चलो बिल आप पास कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें गारंटी होनी चाहिए कि MSP हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना ही चाहिए। इसका कहीं गवर्नमेंट ने जिक्र नहीं किया, सिर्फ वर्बली कह रही है कि हम MSP लागू रहेगा। हम लोग चाहते हैं उसका भी एक बिल वहाँ पेश होता, वो बिल पास होता। हमें इसलिए लग रहा है कि उसका साफ है कि MSP का जिक्र नहीं है। हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारा हितैषी मान लिया, लेकिन हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो हमें मिलना ही चाहिए, उसकी गारंटी गवर्नमेंट को दिलवानी चाहिए। एक बिल गवर्नमेंट और लाती है कि इससे कम पे कोई खरीदेगा तो उसकी 5 साल की सजा होगी, तो वो जो मिनिमम सपोर्ट जो गवर्नमेंट प्राइस घोषित करती उतना हमें मिल सकता था। अब मुझे नहीं लगता कि वो मिल पाएगा, और साल 2 साल बाद गवर्नमेंट धीरे से MSP घोषित करना ही बंद कर देगी, किसान के हाथ में कटोर आ जाएगा। तो किसानों को बहुत बड़ा दिक्कत है। आज की तरह समय भी ऐसा चुना है कि किसान इकट्ठा नहीं हो सकता, किसान के पास ना इतना पैसा है। आज की तारीख में एक बिल आया है, अभी तो आज की तारीख में धान जो बिक रहा है वो 1200 रुपये बिक रहा है, जबकि गवर्नमेंट का रेट उससे बहुत ज़्यादा है, लगभग 1850 के लगभग है। 1200 रुपये किसान बेचने को मजबूर है। समाधान बिचौलियों के थ्रू काम होता है। बिचौलियों में भी काफ़ी सरकार के नुमाइंदे भी हैं, सरकार से टच में रहते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का काम तो ये है कि हमारा वो दाम दिलवा पाए जो उसने घोषित किया, वो नहीं दिलवाई तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है। बिचौलिए तो अपना काम कर रहे हैं, दलाल तो दलाली करेगा, लेकिन हम कितना, हमारी प्रोटेस्ट कितनी हो पाती है।